अरे वकील की तरफ से अरशद का फोन आया था, कह रहा था कि केस लड़ने के लिए पूरे 50,000 रुपए चाहिए उसको। मेरा तो दिल ही दहल गया इतनी मोटी रकम का सुन के। 50,000 रुपए? इतने ज्यादा पैसे? अम्मा ये कहाँ से आएंगे, इतने पैसे तो हमारे पास हैं भी नहीं। 1 month के लिए मैं ट्रेनिंग के लिए तुम्हें लाहौर भेज रही हूँ। जी 1 महीने के लिए लाहौर, मगर क्यों? तो इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली मैडम, मैंने कभी मानूर को इतने लंबे टाइम के लिए अकेला नहीं छोड़ा, मेरे बगैर नहीं रह सकती। तुम मानूर की फिक्र मत करो, वो मेरे घर में रहेगी। राइट, पहले किसी जॉब का एक्सपीरियंस है आपको? सर वो मैंने सीवी में मेंशन कर दिया है, इसके अलावा मैंने बैंक में भी जॉब की है और सीनियर टीचर के तौर पर भी काम किया। ऑलराइट महा, राइट, पहले क्यों जॉब छोड़ दिया? सर एक्चुअली वो मुझे मेरी स्किल्स के मुताबिक पे नहीं कर रहे थे, सो मैंने जॉब छोड़ दी। Alright. तो महम, where are you from? I'm from Islamabad. Nice. So why you come to Karachi? To achieve my goals. Very nice. Alright, ma'am. We will inform you about the results. Thank you. Thank you, sir. ये लड़की मुझे हमारी कंपनी के लिए ठीक लगी, क्योंकि मुझे मेरी कंपनी के लिए डेडिकेटेड और एनर्जेटिक लोगों की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, वैसे ये क्वालिफाइड भी है तो हमें इसे रख लेना चाहिए। राइट, तो तुम एक काम करो, इसको अपॉइंटमेंट लेटर दो। ठीक है, वैसे आप कहते हैं। हसन, शायद मैं आपके पास बैठी हूँ। बस थोड़ा सही रहेगा। हाँ बस थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन गुजार देंगे आप। अच्छा लो, बंद कर दिया। खुश? खुश नहीं, बहुत खुश। आपको पता है ना, वैसे ही आप घर पर होते नहीं, और आज आप घर पे हैं तो मैं तो आपके साथ टाइम गुजारूंगी ना। बस इसीलिए तो बंद कर दिया, जो मेरी मानूर बोले। सादत, सादत क्यों आप इतने खामोश हैं? मुझसे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो एटलीस्ट आप मुझे बताएं तो सही ना। कितने फोन किए मैंने आपको और बाद में अपना नंबर ही बंद कर दिया। सिद्रा मैं अभी बात करने के मूड में नहीं, मुझे प्लीज थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सारी रात आप अकेले गुजार कर आए, सारी गलती उस नब्बो की होती है, सब कुछ वो करती है और बाद में आप मेरे साथ इस किस्म की हरकतें करते हैं, मुझसे नाराज हो जाते हैं, गलती वो करें और सजा मैं भुगतूं। बस हो गई शुरू, तुम आ गई अब नब्बो की बुराइयां करने मेरे पास। यार तुम चाहती क्या हो? खुदा के लिए चली जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है यार, प्लीज।
हेलो जी, कौन, किससे बात करनी है आपको? बात तो आपसे करनी है मैडम जी। कौन बोल रहा है? मैं आपको जानती हूँ, क्या पहले हमारी कभी बात हुई है? जान भी जाएंगी मैडम जी, आपसे बातचीत होगी तो जान जाएंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे रॉन्ग नंबर से बात करने की आदत नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ मैडम जी, चलें असल बात पे आते हैं। कौन सी बात, कैसी बात, तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं तुम्हारी बात समझी नहीं हूँ। समझदार तो आप बहुत हैं मैडम जी, इसीलिए आपने सारे मामले में पुलिस को शामिल कर लिया। क्या बोला तुमने, कौन से मामले की बात कर रहे हो? आप सब जानती हैं मैं किस मामले की बात कर रहा हूँ। आपने क्या समझा, हम बेखबर हैं? हर लम्हे की खबर है हमें। तुम्हें किसने कहा? ये बातें रहने दें, आप असल बात समझ लें। ये मामला आपके और हमारे दरमियान निपट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, उसके बाद नतीजे की जिम्मेदार आप खुद होंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं मैडम जी, इत्तला है। मैं तुम जैसे बुजदिलों से डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। जबकि डरना चाहिए आपको मैडम जी। खैर, मेरा काम था आपको बताना, आगे आपकी मर्जी, कहीं यह होशियारी आपको मुश्किल में ना डाल दे। कैसे हो सकता है, मैं हसन के बगैर कैसे रहूं? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं हसन के बगैर रही हूं। बात भी कुछ ऐसी है कि मैं हसन को बता नहीं सकती। ऊपर से हसन का इस वक्त मुझसे दूर होना, या अल्लाह सब ठीक रखना, मेरी इज्जत की हिफाजत करना। मैं जिस परेशानी में हूँ उसका अमल सिर्फ तुझे है। हसन से बयान नहीं कर सकती, ना ही शिजवाजी को बता सकती हूँ। ये मामला तो मुझे मजीद उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुत्ती कैसे सुलझेगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक ये लोग किस मामले की वजह से मेरा पीछा कर रहे थे? ये नंबर से कॉल आ रही है और कोई शख्स है, लेकिन बात सोचने की ये है कि ये कैसे पता चला कि मैंने पुलिस को इन्वॉल्व किया है? परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा शिजा, तुझे सबसे पहले ये पता लगाना है राहुल, ये है कौन जो मेरी पल पल की खबर इन लोगों तक पहुंचा रहा है? हाँ, मुझे अब हर सूरत यही करना है। परेशान बैठने से कुछ नहीं होगा शिजा, मुझे अब सबसे पहले ये पता लगा कि आखिर ये है कौन जो मेरी पल पल की खबर इन लोगों तक पहुंचा रहा है। हाँ, मुझे अब हर सूरज यही कुछ करना है।
जमीला, मुझे नहीं लग रहा कि बाबा के तवीज का कुछ खास असर हो रहा है। बस क्या बताऊं जमीला, पहले तो सब ठीक चल रहा था, बस अचानक पता नहीं क्या हो गया है। अरे यही तो परेशानी है, उस चुड़ैल सिद्रा की वजह से सादत मुझसे भी खफा हो गया है। उनमें तो अनबन हो गई है, साथ में मुझसे भी तो गुस्सा है ना, मैं क्या करूं। अच्छा मैं ना फोन रखती हूँ, ये ना हो कि वो चुड़ैल फिर मेरी बातें सुन ले। ओके बाय। बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि बात सुनो मानूर, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह देना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें। कुछ नहीं, आप मेरा रास्ता छोड़ दो। मानूर रास्ते में तो तुम आ जाती हो रोज मेरे। आज मुझे एहसास हुआ कि ये खूबसूरत होंठ भी कुछ बातें करते हैं। मैं ना आपके पसंद का नाश्ता बना के लाई हूं। अब तुम आ गई। इकट्ठे मिलके खाए। आप कहां चले गए थे सादत, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। कहीं नहीं, बस मैं अपने दोस्त के घर गया था। दोस्त की तरफ? तो उसकी तरफ ऐसा क्या काम पड़ गया था, आप वहीं रह गए? मैं सारा दिन फोन करती रही आपको, आपने मेरा फोन भी नहीं उठाया। अच्छा वाकई तुम्हें मेरी परेशानी थी, बड़ी हैरान कुन बात है वैसे। अरे परेशानी तो होनी थी ना, सच्ची में फिक्र से मुझे हॉल पड़ रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। तो फिर घर में सुकून से रहने दिया करो ना, जब घर में सुकून नहीं होगा तो फिर इंसान कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, कहीं सुकून ढूंढेगा, कहीं उसको आराम मिलेगा, वहां तो जाएगा ना। सादत कसम ले लो, मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि घर में सुकून रहे, सब खुशी खुशी रहे, लेकिन ये आपकी डायन है ना, ये कभी भी नहीं चाहती कि घर में सुकून रहे, बस मुझसे हसद और जलन में ये फसाद ही करती रहती है। मैं तो सुकून ही चाहती हूँ। बस फिर हो गई शुरू, ले जाओ जी नाश्ता, नहीं करना मुझे। तुम्हारा असल मकसद सिर्फ और सिर्फ सिद्रा की शिकायतें करना था। नहीं नहीं सादत, मेरी बात तो सुने ना, मैं तो बस ये के बात। सादत सादत क्या करूं, मैं तो इसलिए सब लेके आई थी कि इसको मना सकूं, अब क्या करूं, ये तो रूठ के ही चला गया। क्या बात है भाई, आज मेरी मानूर बहुत बिजी है, अपने हसन के पास बैठने का भी टाइम नहीं है उसके पास। हाँ बस थोड़ा समय दो। मानूर क्या बात है, मानूर क्या बैठो मेरे पास, क्या बात है, आज बात मसरूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मानूर, तुम मेरे पीछे रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं क्यों रोऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा चल, अब अपने हसन को जल्दी से बता दो कि तुम क्यों रो रही थी। मैं ठीक हूँ हसन, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मानो ना तुम मुझे बता रही हो या मैं कमरे से बाहर जाऊं। हसन, बस मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी, कभी मैं तुमसे दूर नहीं रही ना। बस इतनी सी बात। देखो मानो, शीजा मैडम हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुझे इतना ग्रूम कर रही है, और फिर मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे हर वक्त रابطے में रहूंगा, और फिर शीजा मैडम भी तो तुम्हारा बहुत ख्याल करती है ना। मानो, मुझे इस वक्त की तुमसे ज्यादा फिक्र है। अगर शीजा मैडम ने मुझसे वादा किया है कि वो पहले से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेंगी, प्लीज तुम परेशान मत हो, ना मैं जा नहीं सकूं। एक के बाद एक मुसीबत परेशानी अपने घेरे में ले लेती है। सोच सोच के दिमाग फट रहा है कि अब क्या होगा, तमाम अखराजात कैसे पूरे होंगे। सब कुछ होने पर भी इन औरतों का ये हाल है। अगर इन्हें ये सारी सूरत हाल का पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन मैं कब तक ये सब छुपाऊंगा? आखिर को इन्हें पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, एक सूरत है, इन लोगों को मालूम होने से पहले ही मैं इस मसले को हल कर लूँगा। हाँ, मुझे ऐसा ही कुछ करना होगा, बिल्कुल ऐसा ही, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। बस सुबह होते ही मुझे निकलना होगा। शीजा, क्या हुआ? क्या कोई मसला है? शीजा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आपको बता भी दूं तो क्या कर लेंगे? शीजा, इसलिए तो पूछ रहा हूं, बताओगी तो मैं कुछ कर सकूंगा ना। और ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं। मुझे यकीन है कि जिस मसले में मैं हूं उसे आप बिल्कुल भी हल नहीं कर सकते, इसलिए आपसे बात करना तो फजूल। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई है जिसे हल करना मेरे बस में नहीं है? प्लीज इजाज, मैं इससे बिल्कुल भी बहस करने के मूड में नहीं। ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे मजीद टेंस मत करो। ये शीजा भी ना पता नहीं किन चक्रों में लग गई है। पर ऐसी क्या बात हो सकती है जो शीजा जैसी औरत को परेशान कर रही है? हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये समझता था कि शायद मैं इस मसले पर काबू पा लूंगा, लेकिन अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। अरे इतना परेशान नहीं हो, अभी पानी सर से नहीं गुजरा, तुम हालात पर काबू कर सकते हो। अब मुझे कोई ना कोई फैसला करना होगा। घर सुकून की जगह होती है और मुझे घर में ही सुकून मयस्सर नहीं है यार। हाँ, फिर तुम सोच समझकर फैसला कर लो। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को फारिग करना होगा, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना बिल्कुल मुमकिन है, और मैं अपने घर का सुकून अब और बर्बाद नहीं कर सकता। घर के साथ साथ मेरी अपनी जिंदगी का सुकून बर्बाद हो गया। ओके, बाय। खैरियत तो है ना?
कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं शिजाबाजी, सब ठीक है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए जा रही हूँ। क्यों, तुम्हें कोई काम था? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। महनूर, सब ठीक तो है ना?